हम सभी अपनी और अपने भीतर की जीवन यात्रा पर उतर चले। What a wonderful inner journey meditation is. लगातार देखते चले जाना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं माइंड के साथ लगकर के बिखर ना जाए, कहीं खंडित ना हो, अखंड रूप में बने रहना, थर्ड आई में रहना, बाहर की दोनों आंखों से हट करके भीतर की आंख में प्रवेश करना, अर्थात देखने का पोटेंशियल जगमगाना, देखने की क्षमता को और अधिक बढ़ाते चले जाना, केवल देखना, जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। काल्पनिक स्थिति में मस्ती आनंद नहीं बरसता, काल्पनिक स्थिति ड्राई स्टेट है, काल्पनिक स्थिति में मरुस्थल ही मरुस्थल रेगिस्तान मिलेगा, मरुद्यान नहीं खिलेगा। कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना। बहुत किया है तूने, बहुत कर लिया तूने धर्म कर्म, बहुत किया तूने सिमरन जाप, अब उस मालिक को अवसर देना करने का, उसको मौका देना, तुम शांत और मौन होकर के देखते रहना उसकी कृपा करुणा कितनी बरसती है, उसे अवसर देना थर्ड आई को जीवन के आविष्कार का। जगमगा उठोगे जब तुम मौन पूर्वक जागे जागे अकर्ता दृष्टा होकर की रहोगे, कसब हो जाएगा, चमत्कारों का चमत्कार, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स आप अपने आकाश में पाओगे। सहज में दोनों पलके मूंदते ही आपका भीतर देखना शुरू हो जाता है, डायरेक्ट वॉच करना, कछु करना नहीं, करने की आदत पड़ गई है आपको, भीतर की राह पर कुछ करना नहीं, अंतर्मुखता को उपलब्ध करने के लिए कुछ भी करना नहीं, केवल अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी सुरति में रहना। मैं देख रहा हूं, देख रही हो, बस इतना साहस बना रहे। महाराज भीतर सारा संसार ही देखता है, उसके सिवा कुछ नहीं। आपने संसार से ही तो दिल लगा रखा है, कोई अपने दिलवर से थोड़ा लगाया है। जहां तूने दिल लगाया है वही तो दिखाई देगा। अगर संसार में ही दिल लगाए रखते हो तो भीतर जब देखोगे तो सारा संसार ही आएगा। आने दीजिएगा, भीतर संसार की डस्ट जितनी भरी है उसे उठने दीजिएगा, अपने आप विदा हो जाएगी। आप इंतजार के पलों में रहना, प्रतीक्षारत रहना, जागे जागे रहना, ये इनर टेक्नोलॉजी अपने आप वर्क करती है। स्वयं सुव्यवस्थित होते चले जाएंगे, हम अपने आप इंटेग्रेटेड होते जाएंगे, घर थोड़ा जागे रहेंगे, भीतर मन माया का खेल देखते रहना, मन के जगत को, मन के संसार को देखते रहना, जितना भी दिखाए तुम देखते रहना, परवाह ना करना। माइंड कितना भी हावी हो के आए, कितना भी एग्रेसिव हो के आए, कितना एग्रेशन दे आए, आप जागे जागे रहना, तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, केवल भयभीत करता रहेगा। उसकी हिम्मत नहीं तेरे सुरति द्वार में प्रवेश करने की, क्योंकि प्रवेश करते ही मन अमन हो जाएगा, माइंड की मौत हो जाएगी, माइंड माइंड नहीं रहेगा, इसलिए वो तेरे को छू नहीं सकेगा, वो तुझे टच नहीं कर सकेगा अगर तुम जागे रहोगे।
तो अपने आप शांत होता जाएगा। तो हम जागे जागे देखते रहना, अपने माइंड को देखना, विचारों की भीड़ को, विचारों की गति को देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू बहुत मजे से देखना, मुदित भाव से देखना। और अगर भाव दशा है तो उसमें गहरी डुबकी लगाना, प्रभु प्रेम प्रभु प्यास को अगन देना, पुकार भीतर भीतर अपने मालिक के प्रति। ये प्यास दर्द दीवान की बाहर बिल्कुल नहीं उड़ेलना, उड़ेलते चले गए हो इसलिए कुछ बना नहीं तुम्हारा, भीतर वहीं के वहीं खड़े हो। ये प्यास तेरे दीवानगी का आलम भीतर की ओर प्रवाहित करना, स्नान भीतर करना, बाहर बहकना नहीं, बाहर उड़ेलना नहीं, नहीं तो उतरा हुआ सब गायब हो जाता है, सब वेस्ट जाता है। अपनी ओर प्रवाहित करते चले जाना और बहुत डेप्थ, बहुत गहराई को छूना। गहरी होती जाओगी, जो जो माइंड का स्नान होता जाएगा, मन का, अंतर्मुखता का, ये एक महात्व गजब का स्नान है। अपनी प्यास तरह दीवानगी, अपनी विरह आगन अधिक से अधिक बढ़ती चली जाए और गहरी डुबकी लगाना। भाव दशा में डूबते चले जाना, विचार दशा में जागे जागे रहना और देखते रहना। भाव दशा में भी कभी कभी माइंड उतर आता है, तेरी भावपूर्ण स्थिति को चुरा लेता है। ऐसी स्थिति में तुम जागना, जागे जागे अपने माइंड को, अपने विचारों को, अपनी नेगेटिविटी को विदा कर देना। पुनः भाव दशा मुड़ आएगी, पुनः बहुत बड़ा ग्लैमरस छलकता हुआ महासागर विरह का उतरता चला आएगा। और जब जब विचार दशा में थोड़ी सी प्यास उठे, थोड़ा भाव उतरे, तो देखने की बजाय डूब जाना उसमें। समझ लेना बुद्धि से हृदय की ओर जा रहा हूं मैं, थॉटफुल स्टेट से थॉटलेसनेस की स्टेट पे जा रहा हूं। एकदम डूब जाना उसमें, फिर देखना नहीं। देखते देखते डुबकी लग जाए और डुबकी लगते लगते एकदम जागरण, होश, सुरती उतर आए, ये ऑटोमेटिक होता है। तुम अपनी ट्रू नेचर में रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना। ओ ओंकार आमीन ईमन। कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन। जब तक उलझे ना कांटों से दामन, जब तक उलझे ना कांटों से दामन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन। जब तक उलझे ना जब तक उलझी ना कांटों से दामन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन।
यकायक सामनी आना जाना, यकबायक सामनी आना जाना, यकबायक सामनी आना जाना, यकबायक सामनी आना जाना। ओ मालिक एकदम ना आना, एकदम ना उतर जाना कहीं, एकदम ना अपनी ग्रेस उतार देना, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मैं संभल नहीं पाऊंगा। आप अनएक्सपेक्टेड उतरते हो, मैं बहुत कमजोर, बहुत निर्बल दुर्बल हूं, मैं संभाल ना पाऊंगा। आ ना जाना कहीं, एकदम ना आ जाना कहीं, मैं ठगा सा ना रह जाऊं, स्टन ना रह जाऊं, कहीं हृदय की धड़कन रुक ना जाए, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो विराट मैं क्षुद्र, एकदम ना उतर आना, तो एकदम उतरता है, अनएक्सपेक्टेडली उतरता है, अनएक्सपेक्टेड उतरता है, तो जब भी उतरता है आकाश की तरह उतरता है, तो जब भी उतरता है और विराट तो जब भी उतरता है मानसून की बरसात बन के आता है। नहीं संभल सकता मैं, एकदम ना आना, अगर तूने एकदम भी आना हो तो पहले मुझे तैयार करना, मुझे तैयार करना, तेरा एक टच ही काफी है, उसी में ऐसी डुबकी लग जाती है कि मुझे होश नहीं रहती, तेरे एक टच से, तेरे एक छू जाने से, अगर इतनी वाइब्रेशन का दौर उतर आता है तो अगर तू विराट उतर आया तो मेरा हाल क्या हो जाएगा। देखिए आप इंतजार करते हो कि वो आए, और दीवानी क्या कहते हैं, प्यासे रिंद क्या कहता है, उसके दर्द के मारे क्या कहते हैं, तुम मत आना मैं ही आ जाऊंगा, मैं तेरे अंतर्गत आऊंगा, तू ना आना। अरे ओ गोपाल तू ना आना वृंदावन, तू ना आना गोकुल में, आप ना आना, आप द्वारका में ही रहना, आप मत आना, हमारा दिल हमारा हृदय ही ले जाना, बस इतना ही बात। आप उतर आओगे तो हमारे सारे के सारे कारज अधूरे रह जाएंगे, आप मत आना, थोड़ा डिस्टेंस रखना। वैसे भीतर चाहते हैं किंतु देखना, संवाद देखना, कितना मीठा संवाद है हृदय का, हार्दिक भाव क्या गजब की मिठास रखता है। यक बायक सामनी आना जाना, 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 रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन, रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, जब तक उलझे ना जब तक हम प्रोसेस में से गुजरेंगे नहीं, जब तक हम विरहा के आवेग में से उतरेंगे नहीं, जब तक हम सेवा साधना की इस महान जगमगाती हुई प्यास में से उतरेंगे नहीं, हम इसमें से गुजरेंगे नहीं, तब तक हम मजबूत पात्र नहीं हो पाएंगे। गुरुवर मुर्शिद मालिक मेरे प्रभु, आवे में से गुजार देना तो विराट को संभाल पाऊंगा, पूरी तरह से आवे में से गुजारना, मुझे प्रोसेस चाहिए,
मुझे सवाल का जवाब पीछे लिखा हुआ नहीं चाहिए, किताब के पीछे लिखा हुआ जवाब नहीं चाहिए, ये जवाब मेरे प्रोसेस से निकलना चाहिए, ये अर्थमैटिक के प्रोसेस से आना चाहिए, ये मेरे सवाल से। मेरे सवाल को प्रोसेस में उतारना है, मेरे क्वेश्चन को पूरे प्रोसेस में उतारना है, तब जवाब चाहिए। लिखा हुआ जवाब नहीं चाहिए, किताबी जवाब नहीं चाहिए, किताबों वाला नहीं चाहिए, किताबों में लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन से चाहिए। पूरा का पूरा आवे में से निकाल करके तब आना प्रभो, ताकि मैं तेरे अंतर्गत और तू मेरे अंतर्गत थोड़ा ठहर पाए, एक दूसरे में समा जाए। कितने लंबे प्रोसेस से गुजारा है मीरा महारानी को गिरधर गोपाल ने, कितने लंबे प्रोसेस से गुजारा है भक्त राज प्रहलाद को नारद मुनि देव ने, कितने लंबे प्रोसेस से गुजारा है ब्रजभूमि के लोगों को भगवान कृष्ण ने, सदगुरु ने, कितने लंबे प्रोसेस से गुजारा है दीवानों भक्तों परवानों को मुर्शिदों ने। अरे बहुत सौभाग्यशाली हो तुम, बैठे बैठे वो प्यास उतरती है, बैठे बैठे वरदान उतरता है तुम पर बरसात, नेक्टर की अमृत की उतरती है आपको, भटकाओं में ज्यादा भटकाओं में रहने की जरूरत ना पड़ी, दर दर जाने की जरूरत ना पड़ी, तुम्हें कभी भी ढूंढने की जरूरत ना पड़ी, तुम्हें घर बैठे बैठे मिल गया। परंतु इस मिले हुए को संभालना, इस मिले हुए को स्टे होने देना, इस मिले हुए को रोक लेना, इस मिले हुए को भीतर जमा लेना, इसके लिए तुझे प्रोसेस में मुर्शिद उतारता चला जाता है। सेवा साधना की जरूरत क्या है महाराज, जब तुम्हारा स्पिरिचुअल टच ही काफी है। अरे वो टिकेगा नहीं जब तक तेरा बर्तन मजबूत नहीं होगा, वो विदा हो जाएगा, वो टिकेगा तभी जब तेरे से आएगा, जब तू अपना बर्तन अपना पात्र अपना भीतर अपना हृदय पूरी तरह से जगमगा लेगा तो टिकेगा, वरना एक टच दिया हुआ थोड़ी देर रहेगा, झलक मिल जाएगी, दिशा मिल जाएगी, किंतु वो नहीं टिकेगा। डायरेक्शन मिल जाएगी, झलक मिल जाएगी कि तू झलक पूर्ण नहीं है, टोटल नहीं है, वो झलक तुझे दिशा दे जाएगी कि तू झलक झूम बन जाए 24 घंटे की 12 मास की, ऐसी स्थिति तब तक नहीं आएगी जब तक आवे में से गुजरोगे नहीं। अगर एक झलक दिया नरेन को बाबा राम की सन्नाई, वह टिकी नहीं, दिशा दे गई, प्यास ऐसी उठा गई कि गुरु शिष्य में शिष्य गुरु में उतरने को ललाई तो उठे। ये टिकी क्यों नहीं, बाबा से पूछता है नरेन, हाँ टिकेगी नहीं जब तक प्रोसेस से गुजरेगा नहीं तो। पूरे प्रोसेस से गुजरेगा, अपने से आएगा, वो अपने से आएगा, उसके लिए कृपा गुरु की निरंतर बरसेगी तुझ पे, प्रोसेस से उतरना पड़ेगा। और एकदम भी तो उतार सकता है, एकदम भी तो दे सकता है, वो तो इतना सामर्थ्यशाली है कि टच एक टच में दे सकता है, दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, किंतु आप हैरान रह जाओगे कि भगवान कृष्ण जैसा सदगुरु देने वाला और अर्जुन जैसा अर्जित करने वाला शिष्य, महाभारत के बाद अर्जुन अहंकारी अभिमानी हो गया, भटक गया, वो मिला हुआ सब विदा हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा, सदगुरु ने कहा, अर्जुन ये मेरा दिया हुआ है, तेरे प्रोसेस से नहीं उतरा हुआ, ये विदा हो जाएगा, महाभारत के पश्चात ये दिव्य दृष्टि नहीं रहेगी, इसको टिका सकता है तू, स्टे कर सकता है इसे, तू स्टे करवा सकता है इसे, तू स्थिर कर सकता है, अगर तू स्वयं विरहा की अगन से उतरेगा तो स्वयं अपनी कमाई भीतर की बरसों बरसों लग जाए भले,
अपनी पात्रता को पूरा करने में, अपनी पात्रता को तैयार करने में, अपनी तत्परता तैयारी रखना। अर्जुन अगर तू नहीं रखेगा तो ये दिव्य दृष्टि वापस चली जाएगी। ये सदगुरु की दी हुई है, ये आनंद मस्ती सदगुरु का दिया हुआ है, तेरे भीतर से नहीं आया। और अगर तू समर्पित भाव में रहेगा, भले अहंकारी अभिमानी हो भी जाए, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तुझे प्रोसेस में रखूंगा। अरे घर बार छोड़ करके कदम उठा करके जब पहुंच गए गुरु के पास, तो फिर और करने की जरूरत क्या रही, और क्या करने की जरूरत रही। छोटी छोटी आयु में अगर गुरु के द्वार पर पहुंचा दिया मालिक ने, तो और क्या पाना है जब गुरु को पा लिया। नहीं, गुरु संतुष्ट नहीं होगा। गुरु बड़ा भारी जालिम है, कातिल है, गुरु बहुत कठोर है। वह तेरे प्रेम प्यार मोहब्बत को पूरी तरह पोसेगा, पूरी तरह सलाम देगा, पूरी तरह से छाती से लगाएगा, किंतु आवे में से गुजरे बिना नहीं देगा। ये उसकी प्यास दर दीवानगी थी जो वाइब्रेशन बनकर के तुम्हारे द्वार पर गई, और तुमने कदम उठा दिए उसके लिए, अपनी जान कुर्बान कर दी उसके लिए, किंतु यहीं तक तेरी यात्रा है, गुरु की यात्रा पूर्ण नहीं हुई तेरे प्रति। अभी तो गुरु के कदम नहीं उठे तेरे प्रति, तेरे पहुंचने पर थोड़ी देर के बाद उठेंगे और प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिस प्रोसेस में तू पूर्ण पूर्ण टोटल टोटल होता है, जवाब भीतर से मिलेगा। इसलिए क्या गजब कहते हैं, भीतर के असली पतंगे परवाने दीवाने देखना क्या कहते हैं, जल्दबाजी नहीं है उनको, तनिक मात्र नहीं है। अर्जुन, अभी मुझे जरूरत थी तेरी, इसलिए दिया है। जब तुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो प्यास उठेगी, दर्द दीवानगी उठेगी, उस वक्त तेरा हो जाएगा ये सब एनलाइटेंड स्टेट का शिखर। क्या गजब कहा सदगुरु ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने, क्या गजब का संबंध है यहाँ, स्पिरिचुअल रिलेशन, स्पिरिचुअल लिंक, ये आत्मिक प्रेम, आत्मिक उत्थान का क्या गजब का विज्ञान है यहाँ, क्या गजब की सुपर साइंस है, हैरान रह जाओगे। कष्ट पे कष्ट भी आए तो भी तुम सुखी, दुख पे दुख भी दुनिया दावे तो भी तुम सुखी, तुम्हारी मुस्कान कभी भी कम नहीं हो सकती, क्या गजब की दिशा है। कुर्बान जाए हम इस दिशा पर, जहां कभी दुख आए नहीं, जहां माइंड हाय नहीं, मास्टर ही मास्टर है। यक वायक सामने आना जाना, 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 रुक ना जाए कहीं दिल की धड़कन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, जब तक उलझी ना कांटों से दामन, जब तक उलझी ना कांटों से दामन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन। गुल तो गुलखार भी चुन लिए हैं, गुल तो गुलखार भी चुन लिए हैं, गुल तो गुल कांटे भी चुन लिए हैं, गुल तो गुलखार भी चुन लिए हैं, गुल तो गुलखार भी चुन लिए हैं तूने, गुल तो गुलखार मुर्शिद चुन लिए,
गुल तो गुल कांटे भी चुन लिए हैं, गुल तो गुल कांटे भी चुन लिए हैं। क्या गजब है, क्या आलीशान है, क्या गजब है, क्या गजब है मुर्शिद तेरा दामन, क्या गजब है मुर्शिद तेरा दामन। कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन। क्या गजब है, क्या गजब है, क्या गजब है, क्या गजब है, क्या गजब है मुर्शिद तेरा दामन, क्या गजब, क्या विराट है तू। अरे फूल तो फूल, कांटे भी अपने दामन में पिरो लिए हैं तूने, अच्छे तो अच्छे हैं ही, तूने बुरे से बुरे को भी छाती से लगा लिया है, पॉजिटिव को तो तूने छाती से लगाया, पॉजिटिव माइंड तूने चरणों से लगाए, पॉजिटिव माइंड तूने छाती से लगाए, किंतु तूने नेगेटिव माइंड को भी बाहों में अपने बाजू में। हम जैसे नेगेटिव माइंड को भी छाती से लगा करके सदा सदा के लिए निहाल कर दिया। तेरा दामन क्या गजब का, क्या विराट दामन है तेरा, जहां अच्छे बुरे सब साथ साथ रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तेरे प्यार प्रेम मोहब्बत के दामन में रहते हैं, जहां सब अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव भले चंगे बुरे सब तू अपने दामन में लुकाए फिरता है, सब बाजू पकड़े फिरता है, सबका बाजू अपने हाथ में लेकर के चलता है। गुल तो गुल खार भी चुन लिए हैं, गुल तो विराट क्या गजब है, गुल तो गुल खार भी चुन लिए हैं, तो गुल खार भी चुन लिए, क्या गजब है, क्या गजब है मुर्शिद तेरा दामन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन। जब तक उलझी ना कांटों से दामन, जब तक उलझी ना कांटों से दामन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन, कोई क्या समझेगा राज़े गुलशन।